अगला सवाल हमारे पास है ध्रुवेश का, जामनगर से। बताइए ध्रुवेश, क्या जानना चाहेंगे? हेलो। हाँ ध्रुवेश, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं सनी बोल रहा हूँ। जी सनी, बताइए। हाँ जी, मेरे पास ना 5,000 शेयर पड़े हैं आप शॉपिफाई वर्क के। जी जी। जो मैंने 18 रुपीज पे लिए थे। जी। तो उसका आगे क्या क्या प्रोस्पेक्ट है? क्या उसको मैं 6 महीने तक अगर होल्ड करूँ तो मेरी वापस प्राइस मिल जाएगी क्या? और मेरे पास एक दूसरा शेयर है हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन। जी। वो मेरे पास 1500 शेयर पड़े हैं एट द रेट ऑफ 38। तो इन दोनों शेयर्स के बारे में मुझे आइडिया लेना था आपसे। जी, पहले एक शॉपिफाई फाइबर की बात कर लेते हैं। 18 के भाव पे आपने खरीदा हुआ है, 13 से नीचे इस समय ये शेयर चल रहा है। फिलहाल टेक्निकली शॉपिफाई फाइबर आपको कैसा लग रहा है? देखिए, ओवरऑल तो ट्रेंड डाउन ही है, संभलने की कोशिश कर रहा है लगभग 11-12 रुपए के आसपास में। ओवरऑल ट्रेंड इज नॉट दैट मच चार्मिंग। फिर भी यही कहूंगा कि आप इमीडिएट बेसिस पे एक 11.5 का स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें। अपसेट की अगर मैं बात करता हूँ तो 15-16 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, चाहे तो आप वहां पर एक लॉस बुक कर सकते हैं। अगर अगर वो क्रॉस करता है तो देन ही कैन एबल टू गेट हिज रेट एक्चुअली वो बाइंग प्राइस, बट आई डोंट थिंक सो ऑन इमीडिएट बेसिस आपको वो देखने को मिलेगा। और इवन द मीडियम टर्म चार्ट इज नॉट दैट मच प्रॉमिसिंग। तो आप 15 के आसपास में अगर आता है तो आप एक बार निकल जाइए। जी,